लिए हम आपको दिमाग से क्या देखते हैं जंगल हमें सूचना थी कि कुछ दुकानदार हैं जो नकली स्पार्क की जींस बेच रहे हैं। आज SSP साहब से मिले, वो थाना प्रभारी से मिलके एक रेड टीम तैयार की, उन पर रेड किए जिसमें दो दुकानदार पकड़े गए। दरभंगा में चली रेडीमेड दुकान में भयंकर छापेमारी। मामला नगर थाना क्षेत्र टावर के आसपास का। दरभंगा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कई जगह पर रेडीमेड कपड़े की दुकानों में छापेमारी की गई, जिसमें काफी संख्या में स्पार्की कंपनी की डुप्लीकेट जींस पैंट बरामद किया गया। बड़ा बाजार स्थित बाबू हैंडलूम से 2 बोरा नकली कपड़ा बरामद किया गया और सिद्धि कपड़ा दुकान से काफी मात्रा में नकली जींस पैंट बरामद किया गया। छापेमारी में कंपनी के कुछ लोग एवं नगर थाना की टीम मौजूद थे। वही दोनों प्रतिष्ठानों के प्रोप्राइटर को गिरफ्तार कर थाना लाया गया, जिसे आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमें सूचना थी कि कुछ दुकानदार हैं जो नकली स्पार्क की जींस बेच रहे हैं। आज SSP साहब से मिले, वो थाना प्रभारी से मिलके एक रेड टीम तैयार की, उन पर रेड किए जिसमें दो दुकानदार पकड़े गए, एक सिद्दीकी गारमेंट करके और एक ये बाबा हैंड। कितना सामान बरामद हुई होगी? माल तो बहुत मिला, लगभग लाखों में है। अभी गिनती चल रहा है, जैसे भी होगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी। कहाँ का रेड मार रहे हैं अभी फिलहाल? कहाँ का टीम आपकी है पूरे बिहार में? दिल्ली से आती है, बिहार में, पूरा बिहार में रेड चलता रहता है, ये तो रूटीन नंबर का होता ही रहता है। इसमें डिफरेंस क्या नज़र आता है आपको जो पकड़ते हैं? डिफरेंस कंपनी जो नकली बनाने वाले वो इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं बना सकते, लोगों के साथ चीटिंग है, GST का भी चोरी है, देश से भी नुकसान है, सबको नुकसान है। किस थाना से? नगर थाना से, दरभंगा से। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम परविंदर सिंह है, मैं स्पार्की जींस की तरफ से आया हूँ। क्या है कंपनी में? मैं कंपनी में उनकी तरफ से ऑथराइज किया गया हूँ नकली असली पहचानने के लिए और लीगल कार्य।